हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दो ऐसी सिस्टर गाड़ियों की जिनका रिश्ता उसी तरह से है जैसे कि कुशाक और टाइकून का, और सेडान गाड़ियों में जैसे कि स्लाविया और वर्चुस का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फॉक्सवैगन और स्कोडा की काफी प्रचलित रह चुकी हैचबैक्स पोलो और फाबिया की। स्कोडा और फॉक्सवैगन फैंस को इन गाड़ियों का काफी इंतजार है। अपनी प्रीडेसेसर के डिसकंटिन्यू होने के बाद काफी फैंस इनके इंतजार में हैं। अब तो बहुत सारी खबरें ये भी आना शुरू हो गई हैं कि इन गाड़ियों को 2023 में लॉन्च किया जाना है। जैसा कि इनके फैंस को काफी मालूम रहता है कि ये गाड़ियां काफी सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं और हल्का सा डिजाइन चेंजेस रहता है उनका एक्सटीरियर लुक्स में। बाकी लगभग ये दोनों सिस्टर कंपनीज हैं और सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ देयर कार। इसका एक उदाहरण रिसेंटली जैसे आपको VW की टाइगून और स्कोडा की कुशाक में देखने को मिला है, और रिसेंटली लॉन्च वर्चस और स्लाविया में है जो दोनों ही लगभग सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती है। जब से पोलो को इंडिया में लॉन्च किया गया था तब से इसमें कोई भी मेजर अपडेट नहीं था, बट दिस टाइम यू विल फाइंड ए न्यू पोलो अवतार। एंड जो नेक्स्ट जनरेशन पोलो को लॉन्च कर दिया गया है यूरोप में, उसने पहले ही यूरोप एनकैप में इंप्रेसिव 5 स्टार की रेटिंग निकाली है। तो हम ये वेट कर सकते हैं कि जब 2023 में ये दोनों गाड़ियां लॉन्च होंगी तो मे बी इन दोनों को काफी डिमांड रहेगी और इनकी लॉन्चिंग में भी थोड़ा सा गैप रहेगा। वी कैन अज्यूम दैट द वेट विल नॉट मोर देन 4 to 5 months, और ये गाड़ियां मार्केट में जल्द ही धमाल मचा सकती है और अपने कस्टमर्स को काफी कंफ्यूज कर सकती है। जहां तक मुझे लगता है स्कोडा फाबिया इतना जल्दी अपना लॉन्च पहले लेके नहीं आएगा, क्योंकि इतना कंफर्म है कि VW पोलो तो पहले ही 2023 में लॉन्च होने वाली है, और स्कोडा फाबिया विल प्ले इट नाइसली एंड वेट फॉर देयर लॉन्च ऑफ फाबिया। सो हाउ मच यू पीपल आर वेटिंग अबाउट दिस कार्स, टेल मी इन द कमेंट बिलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।